बेटा मत जाओ, मत जाओ माँ को छोड़कर। मैं हफ्सा को समझा लूंगी, कंट्रोल कर लूंगी उसे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो किसी की बात मान जाए। अम्मी आ जाओ। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ सर, मैं बहुत दर्द हो रहा था। आई मैं दबा देता हूँ। नहीं, मैंने टैबलेट खा ली है, आ जाएगा आराम खुद ही। अगर दर्द ज्यादा है तो आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। आज तो जाने से आराम आ जाएगा, लेकिन जब तुम इस घर से चले जाओगे तो कौन रोजाना मुझे हॉस्पिटल ले जाता रहेगा? तुम तो पता नहीं। अम्मी प्लीज, इस वक्त तो ये बातें करना छोड़ दे। बेटा मत जाओ, मत जाओ माँ को छोड़कर। मैं हफ्सा को समझा लूंगी, कंट्रोल कर लूंगी उसे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो किसी की बात मान जाए। अम्मी मैं उसे अपनी कसम दूंगी तो वो मान जाएगी, नहीं करेगी लड़ाई झगड़े। इस घर का माहौल फिर से अच्छा हो जाएगा। अल्लाह करे अच्छा हो जाए। आप, अब्बू, रयान, दानिया सब इस घर में सुकून से रहे। मेरा सुकून तो तुमसे है ना बेटा। अम्मी तो वो घर भी तो आप ही का है, आपका जब दिल चाहे वहां रह जाया करें। माँ को मेहमान बनाओगे? ऐसी बातें क्यों सोचती हमने? मैं कह रहा हूं ना आपको, वो घर भी आप ही का होगा। तुम्हारा बचपन इस घर में गुजरा, पता नहीं कहीं और कैसे दिल लगेगा तुम्हारा। वहां जाने के बाद इस घर से ताल्लुक थोड़ी खत्म हो जाएगा मेरा। हमें अक्सर शाम में हम यहां आ जाया करेंगे। हर रोज तुम्हारे ऑफिस जाने से पहले तुम्हारे नाश्ते की फिक्र रहती थी मुझे कि तुम ठीक से पेट भर कर खाओ। मैं हमेशा इस बात को तरजीह देती थी कि तुम्हारी पसंद का ही खाना बनाओ। तुम वापस आ जाते थे तभी खाना निकलता था। अब मैं किसका इंतजार करूं? मुझे तो हर वक्त यही फिक्र लगी रहेगी कि तुमने ठीक से कुछ खाया भी है या नहीं। यहां पर तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर कर मैं पहले से ही टांग दिया करती थी, मगर वहां मिनल करेगी ना ये सब कुछ हमें। हाँ मगर तुम मेरे दिल को नहीं समझ रहे। मैं बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूं, लेकिन अब कुछ बातें आपको भी समझनी होंगी। बेटा मैं कह रही हूं ना कि हफ्सा की वजह से जो भी तकलीफ मिनल को थी वो दोबारा मैं कभी नहीं होने दूंगी। हफ्सा को मत करें उसकी बातें मेरे सामने। अम्मी वो आज भी उसी ढिठाई पर उतरी हुई है। अभी जब मैं मिनल को छोड़ के वापस आया तो मुझे सलाम करने के बजाय घूर घूर कर देख रही थी। बस उसकी तरफ से बिल्कुल ना उम्मीद हो चुका हूं मैं अम्मी। और प्लीज आप ये बातें सोच सोच कर अपनी तबीयत खराब मत करें। कल हम वहां शिफ्ट हो रहे हैं, जाते घर सेट भी कर लेंगे। परसों आप लोगों ने वहां आना होगा। देखिए अम्मी, मिनल को बहुत सी चीजों का तजुर्बा नहीं है, सब कुछ आप ही ने बताना है, उसे समझाना है। जी सलीम साहब, एक सेकेंड। जी बोले। बीवी की वजह से बहन से इतनी नफरत हो गई कि जहां पला बड़ा जिंदगी के इतने साल गुजारे वो
वो जगह छोड़कर जा रहा है, हमें अपने माँ बाप को छोड़ रहा है। मिनहल, मेरा सबसे हीरा बेटा लेकर जा रही है तू, तुझे तो अल्लाह ही पूछेगा। सो अगर आप लोग अपडेटेड रहना चाहते हैं हमारी लंदन नहीं जाऊंगा की प्रमोशंस और रिलीज और फिल्म के गाने और इन सब से रिलेटेड आप जानना चाहते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, उसके लिए फॉलो द यूट्यूब पेज ऑफ ARY डिजिटल एंड यू विल फाइंड अस देयर विद ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड।